तो क्या आपके भी चीज नगेट्स कढ़ाई में जा करके फट जाते हैं? अब ऐसा नहीं होगा। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नो फेल चीज नगेट की रेसिपी, और इसे बनाने के लिए मैंने ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो चलिए इस धमाकेदार चटपटे कुरकुरे चीज नगेट की रेसिपी देख लेते हैं। तो दोस्तों, चीज बहुत ही सॉफ्ट होता है और कढ़ाई में जैसे ही आपका नगेट जाता है वो चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से स्टीम उठती है, जिसकी वजह से नगेट के फटने के चांसेस होते हैं। तो आज हम इसको देंगे डबल बाइंडिंग, जिससे आपका नगेट एकदम फुल प्रूफ हो जाएगा। तो पहली बाइंडिंग हम सूजी से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी ले ली है और अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा ही कप उबला हुआ पानी। तो दोस्तों, जितनी सूजी लेंगे उतना ही उबलता हुआ पानी हमें इसमें डालना है, और अब हम एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको ढक करके 5-10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो भाई, चीज नगेट्स बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोसेस चीज के क्यूब्स ले लिए हैं, और अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी। तो यहाँ पे एक क्यूब से हम 9 पीसेस काटेंगे। यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों चीज क्यूब्स को अच्छे से काट लिया है, और अब मैंने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 6-7 उबले हुए आलू लिए हैं, और इनको हम ऐसे ही हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद भी ले सकते हैं, मगर उससे कई बार क्या होता है, आलू लेस छोड़ देता है। तो आप इनको अच्छे से उबाल लें और इस तरीके से हाथों से अच्छे से मैश कर लें। यहाँ पे हमारे आलू बहुत ही अच्छे से मैश हो चुके हैं और इधर हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से गूंथ लेंगे, जब तक ये एकदम अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमने सूजी को अच्छे से गूंथ लिया है, तो अब हम इसमें ये मैश करे हुए आलू भी डाल देंगे। तो अब हम इसमें 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज और आधी शिमला मिर्च भी डाल देंगे। तो दोस्तों, सब्जियां यहाँ पे आप टोटली अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, फ्रेंच बीन्स, स्वीट कॉर्न, ये सब भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं इस चीज नगेट्स में। फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगेनो, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा और तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून एकदम तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी खटास मैं लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू का रस नहीं हो तो आप इसमें डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। तो दोस्तों, खट्टे वाले एलिमेंट को ज़रूर ऐड करिएगा, चाहे आप नींबू का रस डालें चाहे अमचूर पाउडर डालें, इससे आपके नगेट्स बहुत ही लाजवाब बन करके आएंगे। तो अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और बना लेंगे का एकदम बढ़िया धमाकेदार सा मसाला। तो दोस्तों, ये इतना लाजवाब आपका मसाला बन करके आएगा। इसमें जो सूजी है ये इसको इतनी बढ़िया बाइंडिंग देती है कि आप इसको राइट अवे फ्राई करके खाएं, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है। मगर आज हम इसके नगेट्स बनाने जा रहे हैं, तो अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। तो ये मिक्सर बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इस मिक्सर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और अपने हाथों के बीच में रख करके गोल कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपके हाथों में चिपके तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, या फिर अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। तो अब हम इसके बीच में हल्की सी जगह बना देंगे, और वो जो हमने चीज क्यूब्स काटे थे उसे रख देंगे, और फिर इसको अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक नगेट बन करके तैयार हो गया है, और इतने डो से आपके 18 से 20 नगेट्स बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम रख देंगे साइड में, और इसी तरीके से बाकी के नगेट्स भी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, चीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इस समय अगर आप इन नगेट्स को फ्राई करना चाहेंगे तो अंदर का चीज़ मेल्ट हो जाएगा और फिर इतना प्रेशर बना देगा कि आपका जो नगेट है आपकी कढ़ाई में जाके फट सकता है। तो अब हम इसकी सेकेंड बाइंडिंग बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम एक बोल में 4 चम्मच मैदा डाल देंगे। तो मैदे की जगह आप इसमें कॉर्नफ्लावर या अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करके इसकी एकदम स्मूथ स्लरी बना करके तैयार करेंगे। ये देखो आप, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए।
तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। और इधर हमने एक प्लेट में ले ली है सूजी, जो कि ब्रेड क्रम्स की जगह हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब लास्ट में हम चीज़ बॉल्स को सूजी से ही कोट करेंगे, जिससे एक्स्ट्रा क्रंचीनेस आएगी। अब हम एक नगेट को हाथों में इस तरीके से उठा करके स्लरी में डाल देंगे, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। तो अब दोस्तों आपको अपने दोनों हाथों से काम करना होगा, मतलब एक हाथ बिल्कुल सूखा रखना है और एक हाथ आपको स्लरी में ले जाना है, मतलब एक हाथ सूजी से काम करेगा और दूसरा हाथ स्लरी वाला काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से सूजी में कोट कर देंगे और फिर हम इसको उठा करके एक दूसरी प्लेट में रख लेंगे। तो बस बाकी के चीज़ नगेट्स भी हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी नगेट्स बन करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इनको बना रहे हैं किसी पार्टी के लिए, तो आप इनको सुबह बना करके भी फ्रिज में रख सकते हैं या फिर एक दिन पहले भी बना करके रख सकते हैं, और जब भी आपकी पार्टी स्टार्ट हो तो आप तुरंत इनको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि इसे आपने घर में बनाया है। सब यही सोचेंगे कि ये बाजार का कुछ फ्रोजन फूड आप लेकर के आए हैं और आपने फ्राई करके रख दिया है। तो यहाँ पे मेरे चीज नगेट्स अच्छे से सेट होकर के तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, इसको कर देंगे मीडियम गरम। और क्योंकि आपने अपने नगेट्स को डबली सिक्योर कर रखा है, तो अब आपको इनको फ्राई करते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना एक नगेट डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नगेट के ऊपर से सूजी छिटक करके आपके तेल में नहीं जा रही है, आपका तेल भी नहीं खराब हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने नगेट्स को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख करके सेट होने दिया था। इससे जो सूजी है वो फूल करके नगेट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से चिपक गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कोट कर लिया है। तो बस जब ये एक तरफ से हल्के से सिक जाएंगे, हल्के से सेट हो जाएंगे, तभी हम इसको करछी से पलट देंगे और फिर हम इसको अलटते पलटते हुए बढ़िया करारा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे एकदम चटपटे धमाकेदार से कुरकुरे चीज नगेट्स बन करके तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे कढ़ाई पे से और बाकी के नगेट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से तल करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो एक चीज नगेट मैंने तुरंत ही तोड़ करके देखा और आप खुद देख सकते हैं कितने यम लग रहे हैं, इतने लाजवाब लग रहे हैं। तो तुरंत ही इनको मत खाइएगा क्योंकि चीज मेल्ट हुआ होता है, इस समय मुंह जलने का डर होता है। तो दोस्तों इस बार बारिश के मौसम में ये धमाकेदार से चीज़ नगेट्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अभी के लिए बता लेते हैं, फिर से मिलते हैं मन वंजो थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।